फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम गाइज आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि अगस्त महीना कैसा रहेगा आपके लिए, तो वो हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। देखिए, अगस्त महीना कैसा रहेगा आपके लिए, देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं। इसकी जस्ट नीचे है सर्विस। हो सकता है कि आपके घर में किसी की सर्विस लग जाए, या आप कोई कंपटीशन टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, वो कंपटीशन टेस्ट आप पास कर जाएं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइस, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पास्ट का थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर का बताने में आसानी रहेगी। यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप बहुत उदास थे, बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी थी, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा फील करते थे कि कोई भी आता है और मुझे सताकर चला जाता है, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे कहीं भी है, लेकिन कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता था। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको चारों तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लग रही थी, आप अकेले रहना पसंद करने लग गए थे क्योंकि आपको कोई सपोर्ट करता ही नहीं था। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप हर जो है उदास से रहते थे, इससे आपको हेल्थ इशू भी थे, आप हेल्थ इशू से गुजर रहे थे पास्ट में, लेकिन अभी मतलब रिसेंट पास्ट में अगस्त से पहले, तो अभी गॉड यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आप इतने निराश ना हो। यहाँ पर आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, जो ओल्ड पैटर्न है उसको छोड़ना है, यानी कि आप जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम पर विश्वास करते हैं उसको छोड़ करके आप आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में कुछ नया लेकर आइए। यहाँ पर गॉड यूनिवर्स यही कह रहा है कि मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मंजिल तो आपको खुद ही पानी है, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको आगे सारी फैसिलिटी मिलेंगी, आपको आगे काफ़ी जो है अबंडेंस मिलेगी, आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। ऐसा यहाँ पर गॉड यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप जो है पूरा खुशी खुशी रहेंगे, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। और यहाँ पर डेस्टिनी जो है आपको सपोर्ट कर रही है, डेस्टिनी आपके साथ में है हमेशा, तो आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है कि जिसके साथ में डेस्टिनी हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपकी फैमिली में या कोई आपके रिलेटिव्स में कोई बीमार भी पड़ सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो आप तुरंत जो है उसको डॉक्टर से चेक करवाइए और उसका इलाज करवाइए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है, आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो एंजल्स गॉड डिवाइन ये कह रहे हैं कि अभी समय है आगे बढ़ने का, अभी आपके हेल्थ इशू भी ठीक होंगे, इम्प्रूव होंगे और आपको नई जर्नी स्टार्ट करनी है, पीछे की चीज़ों को छोड़ करके, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है इसी तरह से आपको भी आगे बढ़ना है। अभी हम देखते हैं दूसरे डेक से कि क्या निकल कर आता है। चलिए और देखते हैं आपके लिए अगस्त मंथ में और क्या आता है, क्या खुशियां आपका इंतज़ार कर रही हैं अगस्त मंथ में, जाते जाते अगस्त क्या देकर जाएगा आपको। देखिए, वाओ, जिसका सोलमेट नहीं मिला है उसको सोलमेट मिलेगा, जिसका हार्ट ब्रेक हुआ था उसको सोलमेट मिलेगा, और जिस जो ऑलरेडी एंगेजमेंट मैरिज कर चुके हैं, मैरिड हैं, तो उनको भी उनका पार्टनर मिलेगा, रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पर है वो अपनी लाइफ को खुशी खुशी आगे ले जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, वो आपको एक लव का ऑफ़र दे सकते हैं, कोई उनकी तरफ से लेटर आ सकता है, ठीक है, कोई आप नया होम भी परचेज़ कर सकते हैं,
रिकंसिलेशन करना चाहते हैं आपके पर्सन और वही पास्ट की चीजों को याद करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स का पहले हार्ट ब्रेक हो चुका था और अब उनकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है, मैंने बताया द लवर का कार्ड है, तो ये पर्सन हो सकता है कि आप पहले से जानते हो और किसी रिलेटिव्स के थ्रू आप इससे मिलें या फिर आपके साथ में इन्होंने स्टडी की हो, जॉब करते हों, जैसा भी है आप इनको शायद पहले से जानते हैं और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके पार्टनर उनसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस, बहुत ही अगस्त महीना वैसे भी लाइन गेट पोर्टल ओपन हो चुका है, उसमें खुशियाँ खुशियाँ आती, न्यू मून अभी गया ही है तो सबका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है। इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है और आप ऐसे भी हैं कि दूसरों को सलाह देते हैं और अगर आपको कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप यूनिवर्स से जुड़िए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके आप अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश कीजिए जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन घूम रहे हैं। देखिए और आपको जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम मैंने पहले बताया था कि उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है, तो अभी जो आप जैसे आपकी फैमिली में चलते आए कि भाई हमें तो ऐसे रहना है, जैसे कहते हैं ना घूंघट पड़ता है तो घूंघट निकाल कर रहना है, तो अभी आगे ज़माना चेंज हो गया है तो कोई भी नहीं निकालता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं रहना है कि हमारे तो यहाँ पर परिवार में फैमिली में जो होता है वही मुझे करना है या जो करियर में मैं तो बहुत ही सिंपल साधारण सा बन के जाऊँगा या जाऊँगी या मेरे विचार तो बहुत ही सीमित है, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो ऐसा कह रहे हैं गॉड कि आपको अपने इस ट्रेडिशनल मेथड को चेंज करना चाहिए और जो आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आ रही हैं उनको देखना चाहिए और फिर कंपेयर करना चाहिए कि कौन सा बेटर आइडिया है। और आपको ऐसे लोगों से जुड़ना है जो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल कम्युनिटी से आपको जुड़ना है, ठीक है। यहाँ पर है मैजिशियन, आपके अंदर एक मैजिक पावर है, जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी और आप कर सकते हैं। इसलिए जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे जॉब करियर में चाहे अपने रिलेशनशिप में, तो आपके अंदर इतनी मैजिकल पावर है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। देखिए आप अभी तक चुन नहीं पा रहे थे अपनी जॉब करियर में कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है या कौन सी जॉब चुननी है, कौन सी ग्रैब करनी है, वो नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस साइड जाना है, ठीक है। आप एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हैं और आपके पार्टनर भी, यहाँ पर मैंने कार्ड देखा था कि आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये देखिए दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने का सपना देख रहे हैं और वो पूरा करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि हम लाइफ को आगे ले जाएं और एक हमारी हैप्पी फैमिली हो, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बंद करना चाहते, वो नहीं चाहते कि अब हम हमेशा लड़ते रहें, आप शांति चाहते, पीस चाहते, क्योंकि पास्ट में उन्होंने जो किया था उसका उनको बहुत रिग्रेट है, इसी वजह से वो शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और एक नई बिगनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, उसमें पीस और हार्मनी लाना चाहते हैं, आपको ये लव का ऑफर देना चाहते हैं जो एंजल्स गॉड डिवाइन यूनिवर्स दे रहा है उनको कि आप अपने पार्टनर को भेंट करिए, यही कप आपको देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अगस्त मंथ आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी, मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। ये देखिए ये पर्सन आपकी तरफ चला आ रहा है, प्यार का ऑफर लेकर के ये आपकी तरफ चला आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए तो खुशियाँ आ रही हैं और चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रही हैं। अगस्त मंथ में एंजल्स अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगस्त मंथ में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैंने ऐसे बताया था कि आप जो है समझ जाएंगी कि आप किस तरफ बढ़ना है, इससे पहले तो आपको समझ भी नहीं आता था कि मुझे कहाँ बढ़ना है, किस साइड बढ़ना है, कौन सी मेरे लिए बेस्ट रहेगी अपॉर्चुनिटी, तो अभी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी अगस्त मंथ में। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं होता, तो यस बिग यस है कि ज़रूर ऐसा होगा। देखिए
अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वेरी नाइस। देखिए गाइस, एक नई स्टार्ट आप करेंगे अगस्त मंथ में, लेकिन आपको पास्ट को पकड़ करके नहीं बैठना है। अगर आप पास्ट को पकड़ कर बैठेंगे तो फिर शुरुआत नहीं कर सकेंगे। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम जो है हीलिंग का है। आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है। और कंफर्ट जोन को छोड़िए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो आप ग्रैब कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। छोटे मोटे गोल को मत देखिए, बड़े पिक्चर को देखिए, ठीक है। आप ये सोचते होंगे नहीं तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो जिस भी जॉब में हूँ या थोड़ा बहुत मैं कमा लेता हूँ उसी में खुश हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उनको ग्रैब करिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके आगे बढ़िए। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दें। देखिए, अपने दुख दर्द की चर्चा कम करिए, यूनिवर्स यही कह रहा है, गॉड यही कह रहा है आपकी। आप अपने दुखों को दूसरों के सामने ना गाएं, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट कर आएंगे। यानी कि आप अगर दूसरे को कड़वे शब्द बोलेंगे, अगर उनको जो है उल्टा सीधा बोलेंगे या उनके प्रति द्वेष भावना रखेंगे, तो कल को आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगस्त मंथ में आपके लिए ऐसा संदेश आ रहा है, समर्पण। आपको गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए, अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए, ताकि वो गॉड जो है, जो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है उसका सामना कर सके, ठीक है। यहाँ पर गॉड कह रहा है कि आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड में फंस गए हैं, तो अपने सोल के पर्पस को मत भूलिए, उसके प्रति जागरूक रहिए। और वो कब जागरूक रहेंगे, जब आप गॉड से जुड़ेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, ये जब आप भगवान को अपने दिल में स्थान देंगे, उसका जाप करेंगे और उसकी पूजा पाठ करेंगे। जरूरी नहीं कि बैठ करके ही आप घंटों घंटों करें, आप चलते चलते काम करते करते भगवान का नाम ले सकते हैं, कुछ भी करते करते जो है आप भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान स्पेशल ऐसे नहीं कहता कि आप एक जगह बैठ करके ही आप मेरा नाम लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर गॉड यूनिवर्स सब आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, और जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है अगस्त मंथ में, आप उसको लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। एंजल नंबर के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल नंबरों के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं, देखिए 12-12 अगर आपको दिखते हैं तो आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ में हैं, वो आपसे कनेक्ट हैं और वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। 999 अगर आपको दिखते हैं तो मास्टरी ऑफ सेल्फ लव हैज़ बीन ऑब्टेन इन प्रिपरेशन फॉर यूनियन। आपको सेल्फ लव करना होगा तभी आपकी यूनियन होगी, क्योंकि यहाँ पर रिकंसिलेशन आया है। अगर आप अपने से प्यार नहीं करेंगे तो सामने वाला बंदा आपसे क्यों प्यार करेगा। देखिए 333 माइंड बॉडी सोल पर फोकस रहिए, ये तीनों पहलुओं को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। 000, वाओ, न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट, बीइंग वन विद द यूनिवर्स। देखिए मैंने यहाँ पर बताया था, एक कार्ड आया था, ये देखिए अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और ये भी कार्ड है कि न्यू बिगनिंग। देखिए गाइस, कितना मैंने मतलब कई डेक से निकाला है आपके सामने, कितना मैच करते हुए कार्ड है। तो यूनिवर्स यही चाहता है कि आपकी लाइफ में खुशी आए, अबंडेंस आए और आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।